नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G71 5G वर्सेस Samsung Galaxy F13 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G71 5G में 6.34 इंच जबकि Galaxy F13 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G71 5G में 2.91 इंच जबकि Galaxy F13 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G71 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy F13 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि G71 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G71 5G में 179 ग्राम जबकि Galaxy F13 में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि G71 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो G71 5G में AMOLED जबकि Galaxy F13 में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G71 5G में 6.4 इंचेस जबकि Galaxy F13 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G71 5G में 1080x2400 और Galaxy F13 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G71 5G में 83.18% जबकि Galaxy F13 में 82.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G71 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy F13 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G71 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F13 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G71 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F13 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो G71 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy F13 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G71 5G में Adreno 619 जबकि Galaxy F13 में Mali G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Galaxy F13 में Samsung Exynos 8850 मिलता है। बात करें RAM की तो G71 5G में 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो G71 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G71 5G में नहीं है जबकि Galaxy F13 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G71 5G में Android V11 जबकि Galaxy F13 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी G71 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy F13 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। करंट
कलर्स की बात करें तो G71 5G में दो कलर्स जबकि Galaxy F13 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy F13 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G71 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy F13 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Vivo V20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।